हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लेके आए हैं मैच्योर्ड स्किन मेकअप। आंटी को आज हमने एज ए मॉडल लिया है और इन पे ये मेकओवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे और उसके बाद हम प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले टिंटेड मॉइस्चराइजर लगाएंगे। सो वेल, अच्छे स्किन पे वर्क करना अच्छा होता है, बट जब भी हम एजेड या मैच्योर्ड स्किन पे वर्क करते हैं तो वो बहुत टफ होता है, और इसलिए ये बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक था तो इस पे हमने वीडियो बनाया। यहाँ पे जो प्राइमर हमने यूज़ किया था वो था स्मैश बॉक्स ब्रांड का फोटो फिनिश प्राइमर, डार्क सर्कल्स, पिगमेंट्स, इन सबको कवर करने के लिए। जैसे यहाँ पे हेवी कवरेज का ज़रूरत है तो हमने डर्मा का D30 शेड का यूज़ किया है। ये एक प्योर ऑरेंज करेक्टर है। इसके बाद अगेन यहाँ पे हल्का सा स्किन टोन हम यूज़ कर रहे हैं ऑन द करेक्टर। सो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो भी है वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। गाइज, हमारी YouTube चैनल नैना सावला को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो अच्छे से सारे जो भी पिगमेंटेशंस है, पैचेस है, इन सबको वर्क करने के बाद अब यहाँ पे हम ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का सा उसे सॉफ्ट कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे। फोरहेड है, चीक्स है, मारुति माउथ है, डार्क सर्कल्स अंडर द आई है, ये सब हमने वर्क कर लिया है। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कीको फाउंडेशन, और पूरे फेस पे अच्छे से हम फाउंडेशन से बेस बना लेंगे। सो गाइज, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो इन्हें ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और इस तरह से हमें मोटिवेट करिएगा। सो अच्छे से यहाँ पे बेस लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें इसे सेट करना है। सो सेटिंग के लिए हमने फोटो फिनिश पाउडर यूज़ किया है और आँखों के नीचे सिर्फ हमने सेट किया है पहले। इसके अलावा हम करेंगे पहले कंटूरिंग। अगर आप चाहिए तो, अगर आप बहुत स्पीड में वर्क करना चाहते हो तो आप फुल फेस सेट करके पाउडर कंटूर वगैरह भी कर सकते हो, बट यहाँ पे सिंस हमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाना है सो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आँखों के नीचे, बिकॉज इस एरिया में बहुत जल्दी लाइंस और रिंकल्स हो जाते हैं, तो सिर्फ उधर हमने पाउडर किया है। और दूसरा, ऑल ओवर द फेस हम क्राइलॉन का टीवी पेंट स्टिक लेके इससे हम कंटूर कर रहे हैं। अ लिटिल डार्कर शेड भी हमें एड ऑन करेंगे कॉन्टोर के लिए, जो है एनहांस दिस फाउंडेशन, द डार्कर कलर इज़ फ्रॉम एनहांस। और इसके पहले जो हमने कंटोर किया था वो था फ्रॉम क्राइलॉन। सो इस तरह से अच्छे से कॉन्टोरिंग को भी हम ब्लेंड कर देंगे, और यहाँ पे हम ब्लेंडिंग के लिए ब्रश और ब्रश के साथ साथ ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर रहे हैं। सो मेक श्योर के बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम मैट कंटोर एंड हाईलाइट पैलेट फ्रॉम फॉरएवर 52 कॉस्मेटिक्स, तो वो हमने यहाँ पे लिया है। और सारे जो कॉन्टोर लाइंस हमने बनाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टोर लाइन पे हम सेट करेंगे विद मैट ब्राउन कलर। सो गाइज, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी चैनल यूट्यूब नैना सावला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो हम ज़रूर से हमारे मॉडल, हमारे आंटी को थैंक्स बोलेंगे, बिकॉज वो एज ए मॉडल आए, और यस, ये रियलिटी होती है और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो हम ये ट्यूटोरियल आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। सो अब यहाँ पे नोज़ लाइन को भी हमने मैट कॉन्टोर से सेट किया था। अब जो हाइलाइटिंग होता है, सो यहाँ पे स्किन के हिसाब से हमने मैट हाइलाइटिंग का यूज़ किया है, और जैसे कि आपने देखा कि हमने वाइट कलर का यूज़ किया नोज़ लाइन को और भी ज़्यादा चिजल्ड और शार्पनेस दिखाने के लिए। लाइट कॉन्टोर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई मीन लाइट कलर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ब्लशर के लिए हमने डियोर का कलर यूज़ किया है। अब आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो आई मेकअप में सबसे पहले हम बिगिन करेंगे विद काजल, और काजल को हमने अच्छे से लगा लिया, सेट कर लिया। सो यहाँ पर हम हुडा का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रहे हैं, और अच्छे से यहाँ पे आंखों के नीचे हम ब्लैक के बाद ब्राउन का यूज़ करते हुए इसे सेट करेंगे, फैन ब्रश से क्लीन करेंगे। अब हम आई शेडो का शेडिंग स्टार्ट करेंगे। सो हमने यहाँ पे हुडा का पैलेट यूज़ किया है, और जैसे कि आप देख सकते हो जो कलर हमने लिया है वो है ब्राउन, बट ब्राउन ऐसा कि जो ऑरेंजिश अंडरटोन्ड है। अब यहाँ पे एक शेड डार्कर लेंगे और उसे अच्छे से क्रीज लाइन पे शेप करेंगे।
सो इस तरह से हम लाइन से कलर्स को उठाएंगे सो दैट द कलर ट्रांजिशन विल डेवलप. अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे सिंस स्किन वगैरह लूज हो जाता है तो देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत अच्छे से उसे ब्लेंड करें. तो कलर्स जो भी यूज़ किए गए हैं ये कलर के नाम शेड्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप ज़रूर से इन्हें चेक कर सकते हो. एंड अब इसके बाद यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एनहांस का आई शेडो एंड वी आर यूजिंग द जेड ब्लैक कलर. सो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है. अगर आपको सॉफ्ट सोबर रखना है तो आप सिर्फ ब्राउन्स में भी खेल सकते हो, बट अगर आपको और भी ज़्यादा एनहांस्ड इफेक्ट देना है तो इसके लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है ब्लैक आई शेडो फ्रॉम एनहांस. इसके बाद अगेन अ मेटालिक आई शेडो जो मेन हमारा आईबॉल एरिया है और इनर कॉर्नर है वो भी हमने एनहांस का कलर एप्लीकेशन किया है. अब जो हाइलाइटिंग है बहुत सॉफ्ट हम शिमरी या ग्लो हाइलाइटर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. डू नॉट यूज़ मच, बहुत ज़्यादा शाइनी मत करिए, अदरवाइज स्किन के हिसाब से वो अच्छा नहीं लगेगा. एंड यहाँ पे अच्छे से पहले हम आईब्रोज़ को ब्रश कर लेंगे और उसके बाद आईब्रोज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन द लुक और डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ द क्लाइंट तो अकॉर्डिंगली हमें चूज़ करना है. बट येस, हम यहाँ पे प्रॉपर और डिफाइंड आईब्रोज़ पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं बिकॉज वो बहुत एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा. आईब्रोज़ हो जाने के बाद अच्छे से इसे शार्प भी कर लीजिए. अब हम यहाँ पे लाइनर का यूज़ कर रहे हैं. सो नॉर्मली सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है व्हेन वी आर वर्किंग ऑन एजेड एंड मैच्योर्ड स्किन्स के आँखों का स्किन बहुत लूज होता है, बहुत लाइंस और रिंकल्स होते हैं और लाइनर करने में बहुत दिक्कत होता है. तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जेल आईलाइनर और जेल आईलाइनर यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम ज़्यादा विंग शेप या पॉइंटी शेप नहीं कर रहे हैं और उसे सॉफ्ट स्मजिंग करने के लिए कोई भी ब्रश नहीं यूज़ करते हुए हम सीधा ब्रश के पीछे के पार्ट से वर्क कर रहे हैं. और अब यहाँ पे हम लिपस्टिक का एप्लीकेशन करेंगे. सो पहले अच्छे से हम लिप शेप जो है वो पेंसिल से बना लेंगे और फिर उसी पेंसिल को पूरा अंदर फिल कर देंगे ताकि इससे क्या होगा कि एक टेक्सचर डेवलप होगा, एक थिकनेस मिलेगा हमें और हमारा लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा. अब इसके ऊपर जो हमारा नॉर्मल क्रीमी लिपस्टिक्स रहता है तो वो हमने यूज़ किया है और यूज़ करके उसे बहुत अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे, शेप को मेंटेन कर लेंगे. तो गाइज, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आए हो तो इन्हें ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए. सो अब हम आँखों में मस्कारा लगा के कम्प्लीटली लुक को कम्प्लीट करेंगे. एंड अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे. सो ये है हमारा कम्प्लीट लुक. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.